आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं बड़े बुजुर्गों से अनुरोध है, यदि एक कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये एक सांसारिक यथार्थ कटु सत्य है। और इसको अगर आप बहुत गहराई से लेंगे, बिना किंतु परंतु के, बिना कोई कहते और कुछ मन में अर्थ का अर्थ निकाले, तो देखिए आपके पास चाहे इकलौता पुत्र हो चाहे एक से ज़्यादा, अगर कोई संसार से चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उन पुत्रों की आवश्यकता नहीं जिसने कि आपके जीवन को बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा कर दिया कि आप बस डेली खून का घूंट पी के रहते हैं। बहू आ जाए वो भी अगर ऐसी हो तो फिर तो समझ लो एक और भी कहते हैं जुल्म सा ही हो जाता है, कि जहाँ पर कि दोनों मिलकर, या अगर वो अभी बैचलर है या जैसे भी, कि जिसके कारण से कि आपके साथ हर चीज़ में तर्क वितर्क करना, हर चीज़ में मुंह फटोना, हर चीज़ में जिदबाजी, बहसबाजी, क्रोधित होना, इसी प्रकार से मौके पर ताने मारते रहना, पुरानी बातें पटक पटक के करना, और मतलब वगैरह वगैरह, आपको ऐसा मूर्ख नहीं महामूर्ख साबित कर दिया कि आप यूँ समझते कि बेटा मैंने जन्म तो बहुत दे दिया लेकिन मेरे को नहीं मालूम तू ऐसा निकलेगा, मैं लाई तो बहुत प्यार से बहू को थी, बहुत सपने समझो के, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये भी ऐसी निकलेगी। कुल मिलाकर यह है, अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो भी आप शांत रहिए, ठीक है कोई बात नहीं, तुम ममता मत दिखाइए। ममता वहाँ तक अच्छी लगती है कि जहाँ तक कि वो आपका दिल जीतने की चेष्टा करे, काफ़ी विचार मिलते हैं, तो किस बात की ममता पर, ठीक है वो अगर आपके है उसको अपने दिल में सहेज के रखो, तड़फिए मत उनके लिए, वो दूर जाके बसते हैं तो अच्छी बात है, और पास रहते हैं तो फिर या तो बिल्कुल मजबूरी तो आप बिल्कुल चुपचाप रहिए, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए तड़फने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो विदेशी वाले लोग ठीक हैं, या वो लोग भी ठीक है जहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे पहले से दूर हो जाते हैं और वो अकेले 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 रहते हैं। मंगल कामना।